गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। हर बार की तरह इस बार भी सोमवार को एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जिसे हमने ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया है। तो उस टेस्ट की डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ सभी आ चुके हैं, फटाफट सभी लाइव आ जाएं और जो YouTube पे देखेंगे वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, चलिए तो अब आप अपने आंसर दे सकते हैं, खुल के आप अपने अपने आंसर अब दे सकते हैं, ठीक है भाई। आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या एक लगाते हैं आपके सामने और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बताइए। प्रश्न नंबर एक है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा तो मुझे लगता कोई होगा जो इसका बिना कर पाएगा। तो इसका बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही और सटीक कर रहे हैं। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे बुद्ध धर्म आपका के बारे में आपने पढ़ा भी होगा ना, जब बुद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसके बाद इसके दो पार्ट में इसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जो कौन से होते हैं, ये वाले। चलिए अगला सवाल प्रश्न नंबर दो। सही है तो सही करो अपनी शीट पे, गलत है तो गलत करो। लास्ट में मुझे आपने अपने नंबर भी बताने के, सर मेरे इतने में से इतने नंबर आए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर दो, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज, लोधी राजवंश के संस्थापक इनमें से कौन थे। ये तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत, लोधी का मतलब किसी को नहीं आता, ये हैं गजब के बच्चे भी आप हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न आराम से पढ़ो और आराम से इसको करो, ऐसे चुपचाप नहीं बैठे हैं ना भाई यहाँ पे, फिर क्या फायदा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अमृत बाजार पत्रिका इनमें से किसकी कृति, पत्रिका इनमें से किसकी कृति थी। तो करना जरा कमेंट, किसकी कृति थी। कुछ नहीं बोल रहे ना, हाँ कर रहे ना कर रहे, चलिए कोई बात नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अमृत बाजार पत्रिका जो कृति थी वो शिशिर कुमार की कृति थी, ठीक है, अकेले की नहीं थी, बोथ। क्या होगा इसका आंसर, दोनों की। चलें आगे, चलिए अगला बताओ, विच इज द डेंसेस्ट प्लेनेट, इनमें से कौन सा सर्वाधिक घन है, घन घना, अर्थ भाई अर्थ, पृथ्वी कौन सा है, पृथ्वी, बृहस्पति नहीं है भाई, बृहस्पति नहीं है, पृथ्वी, ठीक है। चलिए जिसको बातें नई नई पता चल रही हैं वो उन्हें लिखता भी जाए, नोट भी करता जाए कि कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर मणिपुर के उच्चतम शिखर यानी मणिपुर का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम क्या है, मणिपुर का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम क्या है, बोलो शाबाश। ए ओके 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 शाबाश। अच्छा कुछ नंदा देवी भी कह रहे हैं भाई, नंदा देवी कहां पहुंच गए आप, नंदा देवी तो इसका आंसर है ही नहीं कहीं से भी, आप तो बिल्कुल ही बाहर मार रहे हो भाई,
थोड़ा तो मारो तुक्का, जिस मेरे को कुछ लगे कि हाँ। ऑप्शन नंबर ए खयांग, ऑप्शन नंबर ए खयांग, ठीक है। संदाकफू कांग तो ये नहीं है, नंदा देवी भी नहीं है। आप इसकी गूगल में सर्च मारना, आपको कोई और ही आंसर मिलेगा, टेनिपो करके कुछ ऐसा मिलेगा। परंतु अगर आप इंडिविजुअल ऑप्शन की सर्च मारेंगे तो इसका आंसर है यहाँ पे खयांग। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, खयांग। कुछ होते हैं गूगल से देखते हैं कि सर ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन खयांग। चलें अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, पांच के बाद नेक्स्ट। इसे करो जरा। गुलाबी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है बताओ। पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, पिंक रेवोल्यूशन आपका नहीं आया ना, बोलो। ये कह रहे हैं प्याज उत्पादन से। ओके भाई, ये सी किसने किया, दीपक। बिल्कुल सही आंसर किया दीपक ने, सी। ये प्याज उत्पादन से भी है, झींगा उत्पादन से भी है, दोनों से है, दोनों से है ये। किस किस को ये बात पहली बार पता चली आज? जब आप इन रेवोल्यूशंस को पढ़ते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से मत पढ़ा करो भाई, इसका जनक कौन, इसका ये क्या, ऐसे नहीं पढ़ते इनको। इनको देखना पड़ता है डिटेल में, क्योंकि अच्छा एग्जाम ने फिर ऑप्शन में आपको मार देता है। जैसे यहां हमारा देखो, इसका आंसर है ऑनियन प्रोडक्शन एंड प्रॉन प्रोडक्शन, दैट इज प्याज उत्पादन से भी एवं झींगा उत्पादन से भी इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 7 को हम आगे बढ़ाएंगे, आ जाओ शाबाश। प्रश्न नंबर 7 करेंगे हम। बाकी कितनी सीटें हैं नागालैंड की लोकसभा की, कुल कितनी सीटें हैं नागालैंड से, कितनी सीटें आती है बताओ लोकसभा की? 3 सीटें, कुछ बोल रहे हैं 3 सीटें, कुछ बोल रहे हैं 2 सीटें, 2 तो कोई बोल नहीं रहा, 3 सीटें बोल रहे हैं वैसे यहां से। नहीं भाई, करंट में, वर्तमान में एक, कितनी है, सिंगल सीट। आओ नेक्स्ट चलते हैं 7 के बाद नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8, चलो शाबाश शाबाश। ये करो जरा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, जिसे आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नाम से भी पुकारते हैं, ये किस प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है बताओ। आओ, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनमें से कैसा निकाय है, हैं? बताओ बताओ शाबाश। देखो संवैधानिक निकाय का मतलब है जिसका जिक्र संविधान में है। क्या कोई संविधान में है इसका जिक्र, कहीं किसी अनुच्छेद में, किसी भाग में? कहीं नहीं है ये। दैट मीन ये संवैधानिक निकाय तो है ही नहीं। क्या ये कोई परामर्श निकाय है? बिल्कुल नहीं, ये एक वैधानिक है, अपने नियम कानून से हमने इसको खुद तैयार किया हुआ है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, वैधानिक निकाय है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 खत्म, अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कहती है आपको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, हाँ जी ये देखो भाई क्या है। विच इज नॉट मेंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी चीज जो है भारतीय प्रस्तावना में नहीं है? गजब के आंसर है भैया आपके, ये बी वाले पता नहीं क्या सोच के आंसर दे रहे हैं, भाईचारा। टोटली रॉन्ग, महिमा का बिल्कुल सही। अडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के बारे में नहीं है भाई उसमें चर्चा, उसमें न्याय की चर्चा है, उसमें गरिमा के बारे में भी है, उसमें फ्रेटर्निटी वर्ड भी है, भाईचारा वर्ड भी है, ठीक है। लेकिन वयस्क मताधिकार की बात नहीं है उसके अंदर। आप एक बार पढ़ना जरा ध्यान से उसको, प्रियम्बल खोलना आज गूगल में, आपको पता चल जाएगा। वोटिंग का जो ये फंडा होता है, इसके बारे में वहां पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या कहता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी बताना जरा, किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? टोटली करेक्ट, सबसे पहले मनी महिमा मनीष मनीष सॉरी महिमा चौहान का।
मनीषा का भी सही है, नितिन विशाल दीपक सब सही है। 1992 1992 में हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बताओ प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू, एलिफेंट तो हो गया ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, ये कमेंट में लिखेंगे सभी। चलिए 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम चलते हैं, साथ के साथ रिवाइज करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अन्यथा काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, करंट अफेयर है, देखो यहाँ पे आंसर भी कर दी इन्होंने, ये बड़े फास्ट बच्चे हैं। चलिए आ जाओ, शाबाश। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द मदर टेरेसा अवार्ड 2021, निम्नलिखित में से किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मान किया गया। देखो इसके नाम में पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या क्या आंसर दे रहे भाई, वरना मैं परेशान हो गया भाई। है इसके आंसर बिल्कुल सही दिए भाई बच्चों ने, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे जानकर। सब ये भाई है जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है, ये अनिल प्रकाश जोशी को भी, विद्युत मोहन को भी, रिधिमा पांडे को, सभी को मिला इन तीनों को। ठीक है, बहुत खुश हुई भी मुझे जान के कि आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन का आंसर सही दिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इट बिन नहीं आप पढ़ते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपका दिल गदगद हो जाएगा इस प्रश्न को देख के, बोलो क्यों, क्योंकि सर HVG के आ गया। अब तो सर आप देते जाओ, आप देखो आंसर कैसे आते हैं, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। सिकंदर धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, सिकंदर धार हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है, बताओ। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, कहाँ भैया है, मंडी, कहाँ है, मंडी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल अगला हमारे सामने है, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलो, शाबाश शाबाश, रुको भैया लगाने दो पहले, फिर लगाता हूँ आपको भी। प्रश्न संख्या 13, ये लो भी प्रश्न संख्या 13। विख्यात व्यक्ति श्री सत्यदेव बुशहरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है। हाँ, फेमस पर्सनैलिटी श्री सत्यदेव बुशहरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, बताओ। अरे विशाल, या तो ए लिखो या तो सी लिखो, ए सी क्या लिखा ए सी नहीं आएगा भाई कुछ, मेरे को समझ में। नितिन कुमार ने सही आंसर, महिमा ने सही, विशाल का सही, मनीषा का सही, बिल्कुल सही आंसर, ये शिमला, कहां से बिलोंग करते हैं ये, शिमला से। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलो, चलिए आ जाओ शाबाश, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम, चलिए शाबाश शाबाश। अच्छा, जो हमें यूट्यूब में देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जब भी आप आंसर कर रहे हैं तो उसका नंबर साथ में डालो, फिर अपना आंसर करो, क्योंकि लाइव में पता नहीं चलता कौन ए कौन बी, किस क्वेश्चन का आंसर है पता नहीं चलता, तो अपने आंसर मतलब क्वेश्चन का नाम जरूर लिखें। आप तो लाइव में तो मेरे को यहाँ पे तो दिख रहे हो जो टीच मिंट पे है। अच्छा बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, बोलो। ओके बहुत ही बढ़िया, सब ने आंसर लगभग सही ही किया है, हलोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हलोग, यानी पूर्व काल के राजसी राज्य धामी की राजधानी हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे थी, हलोग में, कहां थी, हलोग में। प्रश्न नंबर 15, शाबाश, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलो, आओ जरा देखते हैं प्रश्न नंबर 15 हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 15 है ये वाला, राजसी राज्य कुटलैहर के संस्थापक थे, बताओ कुटलैहर के कौन थे भी संस्थापक। कमेंट तो भाई एकदम से आगे जबरदस्त भाई, नितिन विशाल सुनीता दीपक मनीषा, विशाल, विशाल कहते हैं इसका आंसर सी, इसका आंसर सी तो मुझे नहीं लगता सी है भाई, नहीं इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है ए, दैट इज जयसिंह। इसका आंसर क्या होगा, जयसिंह, तुक्के नहीं मारो, लग गए पीछ में तुक्के मारने अब कुछ कुछ बच्चे। अगला सवाल शाबाश शाबाश, हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर, एक मिनट जरा,
ये 16। बताओ ऊना का पुराना नाम था, बताओ ऊना का पुराना नाम था क्या? कभी ऊना का पुराना नाम ऐसा मत कहना सर, हमें नहीं आता है। जबरदस्त भाई, दर्शन महिमा विशाल सुनीता, बिल्कुल सही। यानी क्या था? जसवान दून, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? यहां से अब आपके हिंदी के प्रश्न होंगे शुरू, है ना? हाँ, हिंदी के प्रश्न। लो भाई, प्रश्न नंबर 17 और 18 बताओ भाई। निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है? निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है बताओ। 17 नंबर का आंसर करो आप पहले, चलो शाबाश। 17 का आंसर करो भाई पहले, 17 का ए। बिल्कुल करेक्ट भाई, बिल्कुल करेक्ट। दर्शन ने सबसे पहले आंसर किया, फिर विशाल, फिर महिमा। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। यद्यपि क्या होगा? यद्यपि आपको लगाया, यद्यपि ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वाक्य का चयन करो। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो जरा ध्यान से। इसमें सबसे शुद्ध कौन सा वाक्य है? सबसे शुद्ध, वह दंड देने, दंड पाने योग्य है, दंड लेने योग्य है, दंड के योग्य है, दंड देने योग्य है? बताओ क्या कहते हैं आप? सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर करें भी सी। महिमा चौहान, सुनीता ठाकुर, राजकुमार, नितिन, बिल्कुल सही। दंड के योग्य है, देने योग्य भी गलत है, पाने योग्य भी गलत है, लेने योग्य भी गलत है। सबसे सटीक आंसर होगा दंड देने के योग्य है, सबसे शुद्ध यही है इसमें। आओ प्रश्न संख्या 19 और 20 की तरफ एक साथ आएंगे क्वेश्चन। क्या है भाई हमारा अगला? एक ही आएगा, 19 करो पहले, चलो ये सिंगल ही है। प्रश्न संख्या 19 कहता है, प्रत्यय, जिस वर्ड में प्रत्यय लगा है उसका चुनाव करो। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द बताइए, किस में प्रत्यय लगा हुआ है बताना जरा। क्या का आंसर कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सभी सही आंसर कर रहे हैं। करणीय, मैक्सिमम सही आंसर कर रही, मैक्सिमम। कुछ तो गलत करेंगे ही करेंगे, गलत करना भी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिकार का हनन नहीं होने देंगे हम। ओके, तो आप गलत भी कर सकते हैं, डोंट वरी। चलिए आ जाओ प्रश्न संख्या 20 और 21, आ जाओ 20 और 21 का जवाब दो भाई। 20 का आंसर दो सबसे पहले मुझे, शाबाश, 20 का आंसर दो। अच्छा, 20 का आंसर बोल रहे हैं, खैर क्या बोल रहे हो आप? 20 का आंसर ए। बिल्कुल सही आंसर भी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 20 का क्या होगा? अव्ययी भाव समास है ये, धीरे धीरे माने, अव्ययी भाव समास। पोखर का तत्समरूप क्या है? 21 का आंसर करो आप जरा। यहां पे रह गए आप, यहां पे रह गए आप। पुष्कर है इसका आंसर। पोखर का तत् समझो रूप है वो क्या है? पुष्कर। क्या होगा? पुष्कर। चलिए आ जाओ 21 के बाद अगला सवाल करेंगे हम, 22 और 23 नंबर क्वेश्चन, है ना? चलो देखते हैं, 22 23 नंबर हमारे सामने क्या विकट समस्या लेने की कोशिश कर रहा है। ये आ गया भाई, 22 और 23 आ गया भाई आपके सामने। फटाफट करो, 22 का आंसर करो सबसे पहले मुझे। उज्जवल का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा? सही, बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले दिया है दर्शन, महिमा, सुनीता, विशाल, एकदम सही है सभी के सभी। ये तो कोई ऐसा होगा ही, 100 में कोई एक आधा होगा जो इस आंसर भी गलत करके आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विप्रार्थी शब्द सही नहीं है। 23 का करो आंसर, कौन सा जो मेल नहीं खा रहा? विप्रार्थी, विपरीतार्थी शब्द, विपरीत। आदि का अंत तो होता है विपरीत, ये तो सही बात है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये भी सही है। आहुत का अनाहुत भी सही है। तो कौन बचा? ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं है, अपमान का उपमान नहीं होता, ठीक है? चलिए अभी बहुत बढ़िया, अगला सवाल करते हैं। 23 हो ना हमारे, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, शाबाश। कर्ण
कहाँ है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन? ये दो भाई, इसका आंसर करो अंधो में काना राजा। इसका क्या अर्थ होगा भाई अंधो में काना राजा? कोई इसका गलत करेगा ना उसके लिए क्या दंड दिया जाए, आप निर्धारित करो जो इसका आंसर भी गलत करेगा। बिल्कुल सही आंसर ए टू जेड सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। ठीक है चलिए शाबाश। 24 के बाद अगला सवाल है हमारा 25। एक मिनट, कहां गया हमारा 25 नंबर सवाल? हाँ करो जरा 25 का आंसर करो सबसे पहले आप मुझे। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि का विलोम क्या होगा? बोलो 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 शाबाश। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, दैट इज समष्टि, सी ऑप्शन। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। मातृत्व में कौन सा वो है, कैसा शब्द है मातृत्व? 26 का आंसर करो जरा, बोलो 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 शाबाश। 26 का आंसर बिल्कुल सही, स्मिता महिमा शुभम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। भाववाचक शब्द है ये, मातृत्व क्या है? एक भाववाचक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल कौन सा है हमारा, 26 हो गए ना, आएंगे हम अब 27 और 28 के ऊपर। ठीक है आ जाओ 27 और 28 के ऊपर आ जाओ। प्रश्न संख्या आपके सामने आ गई होगी, देखो भाई 27 और 28 कहता है जिसने बुढ़ापा ना आए। 27 का आंसर करो सबसे पहले, युवा युवक अजर अमर, बोलो 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 शाबाश। यहां पर जो है नितिन दीपक स्मिता राजकुमार मनीषा 6016 बिल्कुल सही आंसर के साथ जा रहे हैं, दैट इज अजर, अजर सी ऑप्शन। 28 ख व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल सही आंसर कंठ, क्या है? कंठ। बोल के देख लिया करो जब पता ना चले ऐसे शब्दों में ना कि उच्चारण स्थान क्या है, आप खुद ब खुद पाएंगे कि आपको आंसर मिल गया है। अगला सवाल लगाते हैं भाई आपके सामने, ये रहा 29 और 30, ये रहा 29 और 30 सवाल। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? है 29 का बी, ओके दीपक, दीपक बोल रहे 29 का बी, बाकी कह रहे हैं द्विगु, ना द्विगु नहीं है भाई इसका, द्विगु वाले रॉन्ग है भाई, इसका है बहुव्रीहि समास, बी ऑप्शन। ठीक है चेक कर लेना जिसको डाउट है, बहुव्रीहि। 30 नंबर शुद्ध वर्ष वर्तनी पहचानी है, दीपक ने कहा तभी सबसे सही आंसर इसका 29 का। आओ शुद्ध वर्तनी, ये तो भाई सबका सही है, इसमें तो मुझे कोई बताने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है। चलें अगला सवाल, अगला सवाल शाबाश करेंगे सभी, मैं सवाल लगाता हूं भाई आपके सामने तभी तो करेंगे ना अगर लगाऊंगा। ये लो भाई 31-32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक रिक्त स्थान भी दिया अभी मैंने आपको, साहित्य जीवन की डैश है, अतिवृष्टि अनावृष्टि अभिव्यक्ति अभिवृक्ति। तो अगर कोई थोड़ा समझदार बच्चा होगा तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि तो बिल्कुल बेकार के शब्द है, ये तो कहीं से नहीं आएंगे, ये तो बारिश बारिश वगैरह से, वृष्टि माने वर्षा, तो अभिव्यक्ति से अभिव्यक्ति, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही, ये तो वैसे भी लग रहा था पता। निम्नांकित में से संयुक्त स्वर है, 32 का बोलो जरा, 32 का बोलो, 32 का, 32 का है मैक्सिमम सही जा रहे हैं अमन राजकुमार दीपक सुनीता महिमा विशाल, ए टू जेड सही है, दैट इज सी ओ। 32 का क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन है सभी, यहां तक खुश हैं आ जाओ, अगर सभी खुश हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हम आप खुश तो हम खुश। अगला सवाल यहां से हमारा अब साइंस का सेक्शन शुरू हो जाता है। देखो पहला प्रश्न क्या साइंस का, 33 नंबर क्वेश्चन,
जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं? द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स आर नोन एज एंटीबायोटिक पॉल्यूटेंट्स हार्मोन्स टॉक्सिन्स। बिल्कुल सही आंसर सभी का। महिमा, नितिन, सनीता, विशाल, ए टू जेड, दो दो मई में भाई। टॉक्सिन्स क्या कहते हैं उसको? टॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी। हार्मोन तो देखो हो नहीं सकता, एंटीबायोटिक भी नहीं हो सकता कि हार्मफुल सब्सटेंस है ना, हानिकारक सब्सटेंस है, पॉल्यूटेंट फिर भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉक्सिन्स। 33 के बाद प्रश्न संख्या 34 करेंगे। लो भाई, ईस्ट क्या है? ईस्ट है एक, क्या है ईस्ट? एक है, घर में भी करते हैं इसका यूज देखना गलत नहीं करना, दे ही दिया जितने मैंने बोल के फारेगा उतने में आंसर कर ही दिया राजकुमार ने गलत। राजकुमार, विशाल, सुनीता रह गए भैया आप यहाँ पे हैं। बैक्टीरिया थोड़े है ये, फंगाई, फंगस, फंगाई है ये, ठीक है। चलिए 34 के बाद देखो, इस बारी मैंने जो ये वाला सेक्शन रखा है ना आपका साइंस का, ये टफ रखा है। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को, सभी को, ये आसान नहीं रखा है। पिछली बार, पिछले मॉक टेस्ट में ये बहुत आसान रखा था मैंने, ठीक है। हर लेवल में कुछ ना कुछ हम आपको चेंजेस देते ही रहेंगे हर मॉक टेस्ट में, ताकि आप तैयार रहें हर तरीके से। अच्छा, विच इज एन एग लेइंग एनिमल, कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? अंडा देने वाला स्तनधारी है, बोलो। मैं तो जबरदस्त स्टडी है भाई, महिमा चौहान, शुभम गौतम, बिल्कुल सही आंसर करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है देखने के लिए जितना लग रहा है। इसका आंसर है स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है। बैट, वेल, लीफी एंट ईटर नहीं है, एग लेइंग मैमल इनमें स्पाइनी एंट ईटर है। कमाल कर दिया भाई, आ जाओ। बैट वैट वेल नहीं है भाई, बैट वैट वेल नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही जाएगा जो हमने भी आपको बताया। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन है ये, और दिए गए ऑप्शन में से ये बिल्कुल सही जा रहा है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन, तभी कहता हूं कि एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसने कर लिए ना साइंस के और जी मतलब पूरे जीके के, वो नहीं रहता फिर किसी भी पेपर में, उसी को ही कॉपी करते हैं। वाले प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न है फाइबर डाइट इंक्लूड, फाइबर डाइट में क्या होता है? रेशेदार खाद्य में इनमें से क्या पाया जाता है? बताओ। महिमा रह गई 20 बार, नितिन का बिल्कुल सही आंसर, सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है, फैट्स भी नहीं होता, ग्लाइकोजन भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता, सेल्यूलोज होता है। अच्छा, इस प्रश्न को करने के बाद प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलेंगे अब हम। बताओ प्रश्न नंबर 37 आपके सामने पहले लगा लेते तभी बताएंगे ना, बिना प्रश्न लगाए तो आंसर दे नहीं पाएंगे आप मुझे। आओ, चलो। अ मैन विद अ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, भाई जिस व्यक्ति को वर्णांधता का मतलब कलर पहचानने में दिक्कत होती है, मतलब इस व्यक्ति को, तो ये लाल लाल रंग इसको क्या दिखाई देगा? जिसको रंगों को पहचानने में दिक्कत आती है वो क्या पहचानेगा लाल रंग को अगर देखा है तो? उसकी नजर में वो क्या सा दिखाई देगा? दर्शन, दीपक का बिल्कुल सही, विशाल और सुनीता दोनों हरे गए इस प्रश्न में, हरे रंग। सुन लो एक बार अब कान खोल के इस प्रश्न का आंसर। जब भी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वर्णांधता होती है, इसका अर्थ हुआ कि रंग पहचानने में दिक्कत, तो इस व्यक्ति को हमेशा लाल हरा, हरा लाल, लाल और हरे में इसको क्या होगी? दिक्कत होगी हमेशा। इस प्रश्न को हमेशा के लिए याद रख लो, अब लाल का हरा लिखे, हरे का लाल, यानी इनको नहीं पहचान पाता ये। अगला सवाल, जिनको नई नई बातें सीखने को मिल रही है ना, वो क्या करेगा? सब्सक्राइब भी करेगा और शेयर भी करेगा इस, ठीक है। चलिए, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी ऑफ ह्यूमन इज, और साथ के साथ नोट डाउन भी किया करो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा सवाल है कि इसका आंसर कोई गलत करेगा तो क्रिमिनल है इस क्लास का, देखते हैं कौन है इसमें क्रिमिनल। भाई अभी तो एक भी नहीं मिला क्रिमिनल, यानी सबको आता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल है, स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बताना जरा। स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो क्या आंसर किया सबने, सब सही जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं, ए टू जेड सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। दैट इज लीवर, यकृत। क्या होगा? लीवर, जिसे आप यकृत के नाम से पुकारते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये भी ऐसा सवाल है जिसको कोई गलत कर ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता कोई इसको गलत करेगा, वो आठवां अजूबा होगा जिसको गलत करेगा। अब बताओ कौन बनेगा आठवां? देखो आप डर के मारे कमेंट भी नहीं कर रहे अरे आसान है ये क्वेश्चन है, मतलब कमेंट भी नहीं कर डर के मारे, अब कर करने लगे कमेंट। मच्छर से होता है भाई डेंगू, ये तो सबको पता है, ऐसे नहीं बोलूंगा भाई मैं आपको। ठीक है, आसान प्रश्न तब यस आई वर्ड बोला मैंने, है ना, टफ क्वेश्चन में थोड़े बोलता तब तो सभी बन जाते हैं अभी के लिए। आ जाओ, यहां से इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है। इस प्रश्न को एक बार मैं पहले समझा देता हूँ सभी को जो यहाँ पे आए हैं, देखो ध्यान सुनो मेरी बात को। ये एक क्लॉज टेस्ट है, क्लॉज टेस्ट का मतलब होता है एक पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ में कुछ वर्ड आपको क्या दिए जाते हैं, ब्लैंक खाली छोड़े जाते हैं, आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ता है, उसकी एक सेंस डेवलप करनी पड़ती है, उसकी एक मीनिंग जनरेट करना पड़ता है अपने माइंड में। जैसे आप उसकी मीनिंग को कनेक्ट करते जाओगे, आपको उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना पड़ेगा, सही शब्द का चुनाव करना पड़ेगा। और इस प्रश्न को केवल वही बच्चा कर पाएगा जिसका ग्रामर अच्छा है, पहली बार। दूसरा, जिसको प्रेपोजिशन की अच्छी नॉलेज है। ठीक है, अब देखो ऑफ इन फॉर विद क्या है, प्रेपोजिशन ही तो है, जिसका प्रेपोजिशन स्ट्रांग है वो कर लेगा, परंतु सीधा भी नहीं डालना है, आपको ऊपर से पढ़ते हुए आना है और सेंस बनानी है, मतलब उठपटांग नहीं डालना है। तो दो 41 का अगर आप ऊपर से पढ़ो, बताओ क्या आएगा पहले नंबर पे, ये जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें क्या आएगा पढ़ने के साथ, बताओ। ये कहते हैं सी, महिमा कहती है डी, ओके। ये सी वाले कौन कौन है एक बार मुझे नाम बताएं, अमन और दर्शन। ठीक है भाई, सी वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन नएगा यहाँ पे। ठीक है, द लाइब्रेरी इफ यूज प्रॉपरली इज इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग टू डेवलप डिसर्नमेंट, इट इज रिच। जो आपकी लाइब्रेरी होती है ना, इसमें क्या होता है, रिच इन इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन में क्या होती है, बहुत रिच होती है। ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, फॉर इन्फॉर्मेशन भी गलत है, विद इन्फॉर्मेशन भी गलत है। इस कनेक्टिविटी को बनाए रखो और अगले सवाल का आंसर करो। देखो सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा, आइडिया दिमाग में जनरेट होना शुरू हो गया ना कि भाई किस बारे में चल रही है बात। आओ अब सेकंड ब्लैंक पे देखो, पूरा पढ़ो फिर से। इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन दैट गोज फार बियॉन्ड द क्या, फार बियॉन्ड द क्या, ये तो आसान है भाई, फार बियॉन्ड किसके पार जाती है, बिल्कुल सही आंसर पल्लवी का, लिमिट से पार जाती है, लिमिटेशन से नहीं, लिमिट से पार जाती है। बी इसका क्या जाएगा, बिल्कुल सही, इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन, यानी जो लाइब्रेरी होती है ना इसमें इंफॉर्मेशन बहुत मात्रा में होती है, क्योंकि किताबें रखी होती है, और ये जो क्या करती है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स, किसी एक किताब और किसी एक कोर्स से इसकी नॉलेज वो क्या है, उसकी लिमिट को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो बी बनेगा इसका आंसर। देखो अब आ रहा होगा आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट, जब समझ आएगा उसी को इंटरेस्ट आएगा, जिसको समझ ही नहीं आ रहा वो तो बोलेगा निकालो सर इस क्वेश्चन को जल्दी साइड, एचपीजी करके लगाओ जरा दो चार क्वेश्चन। चलिए तो यहां तक आपने पढ़ लिया, डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इफ आना चाहिए, व्हाइल आना चाहिए, व्हेन आना चाहिए, सपोज आना चाहिए, है? महिमा चौहान बिल्कुल सही आंसर कर रही है, सी नहीं आएगा भाई, व्हेन नहीं आएगा, व्हेन जब नहीं होगा, इफ क्या होगा, इफ क्या आएगा यहां पर, इफ इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक ए पर्टिकुलर। अगला भी देखना पड़ेगा, अगला देखना पड़ेगा इसमें से, अब 44 वाला देखना पड़ेगा इसमें से। चलिए 44, इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर, डैश क्या, पर्टिकुलर क्या,
यानी अगर आपकी किताब का ऑथर क्लियर नहीं करता है, क्या क्लियर नहीं करता है, इंफॉर्मेशन को, एक्सप्लेनेशन को, पॉइंट को या एंट्री को, बताओ। यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन डाली जाए, ठीक है, क्या लगेगा, इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर, ये किसी खास उसकी बात कर रहे हैं। देखो किताब में तो इंफॉर्मेशन, किताब के अंदर तो इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना, क्या पूरी किताब इंफॉर्मेशन नहीं दे रही आपको, पूरी किताब ही तो आपको जानकारी दे रही है ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो यहां पर जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर अगर आप अटक गए हो ना, या किसी पॉइंट को अगर वो नहीं समझा पाया है, यू फील द नीड, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, आगे ऑप्शन पता चलेगा। देखो इंफॉर्मेशन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो इंफॉर्मेशन ही तो देने का काम करती है। कितनों को ये बात समझ में आई, देखो एक यू नहीं हुआ, आई बात समझ में, क्योंकि कंप्लीट बुक ही तो इंफॉर्मेशन दे रही है। अब पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, किसकी, पर्टिकुलर कोई खास स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट। ज्यादा नहीं करूंगा एक्सप्लेन, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या हो रहा है ये, मैंने देखा पिछली बार भी क्लास लगाई थी यूट्यूब में, एक्सप्लेन किया, बच्चे सारे के सारे भाग गए कि सर ये हो क्या रहा है, इंग्लिश में भाग जाते सारे के सारे। इस बार मैंने ये सेक्शन सबसे लास्ट में डाला। चलिए हाँ, यू विल फील नीड, आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑफ, फॉर, टू या अबाउट। चलिए यह आएगा आपका फॉर, क्या आएगा फॉर, मैं फिर से लगा देता हूं फॉर, ठीक है। देखो ऐसा होगा ना, या तो मैं देखो अगर करेंगे हम बात शास्त्रा मैम से ना, अगर शास्त्रा मैम को टाइम मिला मैं उनको ये दे दूंगा, वो कर देगी आपको एक्सप्लेन, ठीक है। मैडम की बात आई आपको जल्दी समझ में। चलिए अगला सवाल करते हैं, मेरी बात नहीं आप समझते आसानी से, चलिए आ जाओ अगला सवाल। When the thief entered the house, the inmate dashed in the hall, बताओ। चार ठीक है इसमें मेरे, कमाल का देवी प्रियंका है, वेरी गुड भाई। When the thief entered the house, the inmates dashed in the hall, भाई जब एक चोर घर में, एंट्री ली तो क्या था, इनमेट्स क्या थे, इनमें से कौन सटीक होगा, वर स्लेप्ट, सोए हुए थे, या वर स्लीपिंग, सो रहे थे, कुछ कह रहे हैं हैड बीन स्लीपिंग। टेंस पढ़ाऊं भाई मैं आपको, जब थीफ एंटर हो रहा था हाउस में तो इनमेट्स यानी घर के लोग क्या कर रहे थे, वर स्लीपिंग, सो रहे थे, हैड बीन स्लीपिंग नहीं होगा, वर स्लेप्ट भी नहीं होगा। 47 का आंसर करो। द टीचर गिव्स मेनी एग्जाम्पल टू डैश द आइडिया, बोलो 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 बोलो, संतालीस का आंसर करो, नहीं देंगे भाई। टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए किस बारे में, पोइम के अंदर की बात को क्या करने के लिए, ब्रिंग आउट करने के लिए, ब्रिंग इन करने के लिए, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फोर्थ। अच्छा देखो भाई ये दो तो जो बोल रहे बिल्कुल गलत, ब्रिंग अबाउट ब्रिंग फोर्थ का तो कोई यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं, पहली बात, या तो ब्रिंग इन या ब्रिंग आउट, ब्रिंग इन भी नहीं होगा, ठीक है। सबसे सटीक कौन से क्या, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, फ्रेजल वर्ब्स होती है ये, फ्रेजल वर्ब। अच्छा आवाज में प्रॉब्लम सभी को आ रही है, नहीं भाई किसी को नहीं, विशाल चेक करो अपना इंटरनेट, यहां सारे नो कर रहे हैं, इनको सही आ रही है आवाज, इट मीन बिल्कुल सही चला है मामला। अगला सवाल, हम कहां थे भाई, आपको तो मैंने लगाया ही नहीं, बोला करो भाई बीच में है? आप हो जाएंगे नहीं तो ऐसे ही। अगला शब्द है सिनोनिम्स चुनना है भाई आपको, फेटल,
ये बहुत ही सिंपल वर्ड है फेटल, इसकी डिस्कशन आई थिंक हो चुके इंग्लिश क्लास में कई बार होगी। फेटल, फेटल एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? डेडली। ठीक है, फेटल वर्ड का मतलब क्या होता है? डेडली, सिंपल वर्ड है भाई। कन्विक्ट, ये भी बहुत नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है डे टू डे लाइफ में। कन्विक्ट क्या हुआ? कन्विक्ट हुआ का क्रिमिनल, कन्विक्ट होता है क्रिमिनल। बहुत आसान शब्द, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दूं अभी? ये तो बहुत आसान शब्द है, आप अपने शब्दों पे काम नहीं करते, इसका मतलब है। अगला सवाल, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? है, बिल्कुल सही आंसर करें सभी सभी, क्या होगा? ओपेक। ओपेक ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता, आर पार। ओपेक में नहीं दिखता, जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या है? ओपेक है। लकड़ी को अगर आप सामने रख दें तो आमने सामने दिख जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओपेक। ट्रांसपेरेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां जिसमें आमने सामने दिखा दिया, आर पार दिख जाए, जैसे शीशा। होस्टाइल का बताओ, होस्टाइल का, बिल्कुल सही आंसर, होस्टाइल होता है अनफ्रेंडली। होस्टल क्या होता है? अनफ्रेंडली। तो ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली। खत्म क्वेश्चन यहीं पर। आज इंग्लिश में सही आंसर कर रहे हैं भाई आप, इसके लिए बात के लिए बड़ा हैरान हूं है? नहीं तो इंग्लिश में तो आप बिल्कुल भाग ही जाते हो डर के मारे, पता नहीं क्या हो गया। अगला सवाल देखो, आपको इडियम और फ्रेज चुनना है, मतलब इडियम फ्रेज मैंने दिया है, आपको इसका सही मीनिंग चुनना है। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होगा? चूहे को सूंघने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, चूहे को जो सुनना है यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालना है, बताओ क्या होगा? अच्छा, मैंने कोई और लगा दिया, चौवन लगा दिया मैंने। ओहो, चलो कर देते, पीछे भी कर देंगे, बताओ बोलो। डी, टू सस्पेक्ट का ट्रिक, ट्रिक किसी ट्रिक का पता लग जाना। ओके, अच्छा कहाँ था भाई मैं, वो वहां से लगा देता हूँ पीछे से। अब मैंने थोड़ा अगला लगा दिया क्वेश्चन, रुक जाओ। हाँ, ये लगाना था भाई मुझे पहले, 52 और 53, इसको भी कर लो, कोई बात नहीं, हो गया आगे पीछे, नो प्रॉब्लम। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना भाई आपको यहाँ पे, बताओ। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस। देखो, टाइप्स ऑफ फोबिया नहीं होता है, डर के प्रकार, ये एग्जाम व्यू के चैनल में बार बार आते रहते हैं इंफॉर्मेटिव चीजें। अब अगर आप पढ़ोगे तो भी फायदा होगा ना, अब पढ़ेगा ही नहीं जिसने कसम खाली की पढ़ नहीं है, तो वो उसको कहां से आएगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक ऐसा डर होता है जब व्यक्ति को लगता है कि अगर उसको बंद कमरे में या तंग जगह पे रख दिया जाए तो उसको डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ऐसा डर होता है मैक्सिम किसमें? लड़कियों को लगता है ज्यादातर डर तंग जगह में। ठीक है, अगला, वन हु स्टेज अवे विद अवे फ्रॉम स्कूल विद द परमिशन। चलो बताओ, 53 का बताओ, 53 का, ये भी आसान है, ये कोई बहुत भयानक से शब्द नहीं है, बताओ। नहीं बताएंगे? 53 का ए ना, 53 का ए नहीं है। इसको ऐसा करो, याद करो, ट्रॉन्ट बोलते इसको, TRUANT, ट्रॉन्ट। क्या कहते हैं? ट्रॉन्ट। आ जाओ, 54 मैंने करवा दिया था ना आपको, हाँ 54 हो गया था, तो मैं अब 54 ही लगाऊंगा, अब लगाऊंगा मैं आपको 55। आ जाओ 55 पर, रेड लेटर डे। बताओ रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा? रेड लेटर डे, बताओ। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, ऑप्शन नंबर सी, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये आया भी पेपर में आना। चलिए, 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आ जाओ। 56 56, लो भाई, मिसस्पेल्ट वर्ड, मिसस्पेल्ट वर्ड बताओ। चलो शाबाश, कौन बताएगा इसका आंसर? उसको ट्रॉफी दी जाएगी जो इसका आंसर बताएगा सही। मई माने कि अभी सबसे पहले आंसर इसका सही, अगर समझ बोलना सर ट्रॉफी दो भी नहीं आका, यहां से कैसे दो?
चलिए, ये तो खुश करने के लिए दिया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए, तो 56 नंबर क्वेश्चन तक हमारे समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, तो एक काम करो, जिसकी शीट में कट लगे हैं ज्यादा, इसमें नहीं है रीजनिंग और मैथ के, जिसकी शीट में कट ज्यादा लगे हैं वो राइट को काउंट करो, जिसकी शीट में राइट ज्यादा लगे हैं और रॉन्ग कम लगे हैं वो वैसे काउंट करो, जल्दी करो और मुझे मार्क्स बताओ जल्दी से। रीजनिंग मैथ के सेटल आएंगे अलग से। शुभम 37/56, 40/56, 37 का बताना, 37 का क्या बताऊं भाई, 37 का आंसर बताओगी? रुको मैं बताता हूँ 37 का आंसर क्या है, 37 का आंसर है सी। क्लास होगी, क्लास होगी, क्लास लगाएंगे अभी आपकी, रुक जाओ, टेंशन नहीं लो आप, अभी क्लास लगेगी, पहले मुझे आंसर तो दिखने। अब बोले तीन का आंसर, ये आंसर ठीक तो ना लगे भी आपका, जो मुझसे बार बार पूछे, तीन का सी, तीन का सी। नंबर भेजो नंबर जल्दी से, चलाकी दिखाओ मेरे को। 30, अरे ये जो 40-37 वाले ये फिर भी ठीक चले हुए हैं भाई, लेकिन उतने भी सेटिस्फाइंग स्कोर नहीं है, चलो फिर भी ठीक है। राजकुमार 28, ओके 27 नीता, कम है, कम है भाई, कम है, कम नंबर है नितिन, कम कम है, ये मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं? जैसे जैसे पुनः जी कह रहे हैं आप बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखो कुछ बच्चे देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर की तरफ अपने नंबर ला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं नंबर, और आप देखो अपने नंबर नीचे की तरफ डाल रहे हैं। तो बताइए भाई कैसा लगा आपको आज का सेशन, हाँ या ना, कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। देखो भाई मैं भी लाइव आ गया हूँ आपके सामने, कैसा लगा टेस्ट भाई, मजा आया है? बहुत बढ़िया बात है भाई, मजा आया। अच्छा, जो YouTube में देख रहे हैं वो भी अपने मार्क्स जरूर भेजे नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं या मॉक टेस्ट को फिर से सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पर PDF अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर टेस्ट दे दिया है क्लास में, टीच मिनट वालों की बात कर रहा हूं मैं, वो यूट्यूब पर भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां जाइए, वहां पर भी ये वीडियो आएगा। तो नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात होगी, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर मंडे को यहाँ पर मॉक टेस्ट आता है, तो उसे देख करके आपको अपना पता चल जाता है कि इतना लेवल आपका हुआ है या कहाँ कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, अब अपने आप को एनालाइज करिए कि किस पोर्शन में आप ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं और उस पोर्शन पे क्या करो, काम करो। ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं भाई कमेंट पे? ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो अधिकार है भाई सच में आपका गलत आंसर करना, चलो कोई बात नहीं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल।